शेयरिंग है, ये आपको नजर आ रही है या नहीं। और उसके बाद जो है आप सब मुझे बताएं कि आप में से कितने लोगों ने असाइनमेंट्स अपनी कंप्लीट कर ली हैं, और उसके साथ साथ जो है वो प्रोफाइल्स कितने लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि वीडियो भी मुझे एक से दो लोगों ने या ऑलमोस्ट तीन लोगों ने सेंड की थी, बहुत अच्छी सेंड की थी, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, कैनवा से बनाई गई थी, कुछ किस किसी तरीके से बनाई गई थी, लेकिन अच्छी बनाई गई। और उसके बाद वीडियोस तो सिर्फ दो या तीन जो है वो लोगों ने मुझे सबमिट करवाई, ठीक है। उसके बाद जो मैंने असाइनमेंट दी थी वो तो मेरा ख्याल दो दो लोगों ने ही सबमिट करवाई है, तकरीबन दो या तीन लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा मुझे किसी ने सबमिट नहीं करवाई असाइनमेंट। असाइनमेंट भी बहुत कम लोगों ने, और अपना प्रोफाइल कंप्लीट करके भी लिंक भी बहुत कम लोगों ने शेयर किया है, और उसके साथ साथ वीडियोस का तो बिल्कुल ही जो है ना वो रिस्पॉन्स आया ही नहीं है कि वीडियो ऐड करने का, हालांकि मैं हर चीज में बता चुका हूँ, ठीक है जी। बहुत कम लोगों ने सेंड किया, मैं जिन्होंने मुझे असाइनमेंट जो मैंने पिछली क्लास में असाइनमेंट दी थी और जो वीडियो का कहा था वो उन्होंने कर दी है, तो जिन्होंने कर दी है मुझे पता है उनका, और तभी मैं कह रहा हूँ तकरीबन तीन से चार लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जो नहीं कर रहे असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट, तो मैं उनको याद दिला दूँ कि असाइनमेंट्स आपकी कंप्लीट होंगी और फिर ही आपको सर्टिफिकेट यहाँ से LW के प्लेटफॉर्म से मिलेगा, ठीक है। असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगी, मुझसे पूछा जाएगा जी ये स्टूडेंट्स की क्लास लेते रहे हैं, इन्होंने असाइनमेंट्स कंप्लीट की हैं या ये इंटरेक्ट करते रहे हैं नहीं, तो मैं अप्रूव करूंगा तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो काइंडली इस चीज को जहन में रखिएगा कि जिन्होंने असाइनमेंट्स कंप्लीट ना की या जिन्होंने अच्छे से इस कोर्स में जो है वो इंटरेक्शन नहीं शो की या जो है वो इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो उनको जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। काइंडली ये मैं आज आपको क्लियर बात कर दूं कि मैं खुद मैसेजेस भी करता हूँ, ग्रुप में भी करता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग जो है वो मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, अपनी असाइनमेंट्स भी बताते हैं, क्वेश्चन होता है वो भी पूछते हैं, तो ठीक है। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बात ध्यान में रखें कि असाइनमेंट्स आपकी कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। अब कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया हो, मुझे भी सेंड कर दिया हो, लेकिन वो चाहता हो कि वो यहाँ पे अपना प्रोफाइल लिंक शेयर करे और मैं उसको यहाँ पे ऑनलाइन बताऊं कि उसके प्रोफाइल में क्या मसले मसाइल हैं, तो अपने अकाउंट का लिंक जल्दी से चैट में शेयर कर दे जी। कोई स्टूडेंट जो अपना प्रोफाइल लाइव यहाँ पे शेयर करवा के उसका रिव्यू देना चाहता हो तो काइंडली यहाँ पे उसका लिंक जो है वो पेस्ट कर दे, तो मैं उसको उसका प्रोफाइल भी हम सब भी देख लेते हैं, उसमें जो मिस्टेक्स है मैं वो भी बता देता हूँ, और जो करेक्ट करेक्शंस जो है वो चाहिए उसमें मैं वो भी उनको गाइड कर देता हूँ जी। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज जो है वो हम प्रपोजल सेंड करना सीखेंगे कि कौन सी अच्छी टेक्निक होती है प्रपोजल सेंड करने की और इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने चाहिए। मैंने कुछ दिन मेरा ख्याल कल ही एक प्रपोजल सेंड किया था और उसका जवाब मुझे आया था दारुल फरू, ठीक है। ये उन्होंने मुझे कॉल भी की थी और हमारी जो है वो मीटिंग भी हुई थी उसके बारे में। तो प्रपोजल सेंडिंग का तरीका जो है मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। सबसे पहले मुझे चैट में बताएं आप लोग जी, एक प्रोफाइल लिंक से रिसीव हो गया, सबसे पहले मुझे चैट में बताएं सर, पहले भी बताया और अभी भी बताया, तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है बट मेरे पास नो लैपटॉप नो पीसी ओनली मोबाइल। देखें ये चीजें कंपलसरी होती हैं, अगर जो है वो आपने प्रोजेक्ट का मसला नहीं है, प्रोजेक्ट आप ना भी करें तो वो बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपवर्क के प्रोजेक्ट की यहाँ पे प्रोजेक्ट कैटलॉग की इतनी अहमियत अपवर्क पे नहीं है अभी, ठीक है। बाकी तो आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं ना, आप मोबाइल से वीडियो भी बना सकते हैं, आप मोबाइल से वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। शोएब जो आपने असाइनमेंट कंप्लीट करके दी जो पिछले लेक्चर में मैंने दी थी, वो तो उसमें तो पीसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं, वो तो आप सिंपल मोबाइल से टाइप करके भी भेज सकते हो जी। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी आप प्रोजेक्ट कैटलॉग को छोड़ के बाकी सारी चीजें कर सकते हैं मोबाइल से जी। तो मुझे चैट में बताएं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको कौन कौन सी चीजें समझाई थी जो कि प्रोजेक्ट सेंड करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, काइंडली मुझे बताएं चैट में जल्दी जल्दी बताएं, और फिर हम ये प्रोफाइल एक देख लेते हैं और उसके बाद आज का लेक्चर जो है, आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि प्रपोजल
प्रपोजल सेंड करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। कुछ चीजें तो मैं जो पिछली दफा बताया गया था बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो आप वो चीजें याद रख के किसी भी जॉब पे अप्लाई करेंगे तो आपके 50% वहीद वहीद आपका प्रोफाइल जो है अगर पहले का बना हुआ है तो ये जो है वो प्राइवेट हो चुका है, ठीक है, ये प्राइवेट हो चुका है। इसको आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाके आपके पास ऑप्शन आएगा पब्लिक करने का, ठीक है, आप उसको पब्लिक कर दें फिर हमें शो होगा। अभी ये हमें शो नहीं हो रहा, ये देखिए लिखा हुआ वही प्रोफाइल इज सेट टू प्राइवेट, ठीक है। फर्स्ट ये कि पाक इंडिया जी नॉट वर्किंग सो आइडेंटिटी प्रीवियस क्लास जी रवीजा नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके पास जो है वो रिकॉर्डिंग थी, आप देख सकती थी रिकॉर्डिंग, तो जो है वो 12 बजे के बाद ट्राइब वाले लिंक में जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया था ग्रुप के वहां पे होती है। सो यू हैव नो रीजन टू नॉट वॉच द क्लास प्रीवियस क्लास, ठीक है, चेक जी, बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ हमारे पास 10+ स्टूडेंट्स हैं लेकिन जवाब जो है वो सिर्फ 1-2 के आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, सबसे पहले रीसेंट जॉब पे आपने जो है वो करना होता है बिट, रीसेंटली जो जॉब जो पोस्ट होती है कोशिश करनी होती है कि आप उस पर बिट करें। दूसरी चीज के पेमेंट वेरीफाइड वाला क्लाइंट आपने देखना होता है। तीसरी चीज के प्रपोजल जो है वो लेस देन 5 या 15 to 20 हो, ठीक है, और वहां पे भी कोई इंटरव्यू या इनवाइट सेंट ना किया गया हो। क्लाइंट की हिस्ट्री देखनी होती है, हिस्ट्री में जाके उसके देखने होते हैं रिव्यूज और उसने कितना स्पेंड किया है, उसने कितनी जॉब्स पोस्ट की हैं और हायर रेट उसका कितना है, उसके बाद उसकी हिस्ट्री में जाके उसका जो है वो नाम फाइंड करना होता है, ठीक है। आज जो मैं आपको लाइव तरीका बता देता हूँ जो खुद पर्सनली मैं यूज करता हूँ जो जिससे मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बेस्ट मैचेस वाला जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, और दूसरी चीज ये है कि आज आपको कनेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर सबसे ऊपर आएंगे ना अपवर्क पे, यहाँ पे टॉप पे देखते हैं फाइंड वर्क माय जॉब्स रिपोर्ट, यहाँ रिपोर्ट रिपोर्ट पे आप ऊपर इस तरह आते हैं ना कर्सर लेके, तो यहाँ पे कनेक्ट हिस्ट्री होता है, ठीक है, यहाँ से आप अपने कनेक्ट जो है वो देख सकते हैं। मैं इसको ओपन करके रख लेता हूँ, इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे बेस्ट मैचेस जो होते हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वो जॉब जो आपके प्रोफाइल से 100% मिलती जुलती हो, यानी आपका स्किल और ये जॉब की रिक्वायरमेंट बेस्ट मैच होती है, और ये क्लाइंट को भी शो होता है कि ये फ्रीलांसर इस जॉब के लिए बेस्ट मैच है। लेकिन इसमें मसला ये है कि यहाँ पे जो जॉब्स की टाइमिंग होती है ना वो थोड़ी जॉब 4-5 घंटे पहले भी पोस्ट हुई हो तो यहाँ पे शो हो रही होती है, तो ये मसला हो जाता है। इसलिए आपने यहाँ पे बेस्ट मैचेस में देखना होता है कि जॉब पोस्ट कब हुई है। अब यहाँ पे ये जॉब पोस्ट तो 4 घंटे पहले हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें जो प्रपोजल सेंड किए गए हैं वो लेस देन 5 है, क्लाइंट भी इंडिया पाकिस्तान नाइजेरिया से नहीं है, और क्लाइंट के रिव्यूज भी अच्छे हैं, क्लाइंट ने 85 जॉब्स पोस्ट की हैं और 72% हायर रेट है, बहुत अच्छा है, और जी ये क्लाइंट भी बहुत अच्छा है। ये जॉब 4 घंटे पहले पोस्ट हुई है लेकिन इस पे प्रपोजल्स जो हैं वो सिर्फ लेस देन 5 है, और क्लाइंट की जो मैं चीजें देख रहा हूँ वो भी बहुत अच्छी हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे नीचे ये देखें, अब मुझे यहाँ पे कोई बताएगा कि यहाँ पे क्या इशू है जिसकी वजह से हम प्रपोजल नहीं सेंड कर सकते, हालांकि यहाँ पे प्रपोजल का जो रेशियो है जो नंबर है वो लेस देन 5 है, क्लाइंट भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि मैंने चेक कर लिया। यहाँ पे और कौन सी चीज है जो कि हमने देखी और हम समझ गए कि हम इस पे अप्लाई नहीं करने वाले, जी मुझे बताएं। यहाँ पे एक नहीं 2 चीजें हैं, ठीक है जी, ठीक हो गया। इंटरव्यूइंग मोहम्मद हमाद और कबीर जी, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही समझा। यहाँ पे सबसे पहली चीज मेन चीज तो वो उसने इंटरव्यू करना स्टार्ट कर दिया है किसी ना किसी एक बंदे को, और एक बंदे को उसने इनवाइट भी सेंड कर दिया। अब ये हो सकता है वो भी बंदा हो और ये भी हो सकता है कि ये 2 अलग बंदे हों, ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। क्लाइंट बहुत अच्छा था, जॉब भी अच्छी थी, लेकिन वो अब उसने स्टार्ट कर दिया है किसी को रिव्यू करना, तो ये जॉब हमारे लिए क्या होगी, बेकार होगी, ठीक है। अब हम मोस्ट रिसेंट में देखते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब जो है वो पेस्ट होती ही रहती है, 1 मिनट 30 सेकेंड हर हर सेकेंड यहाँ पे जॉब, ये देखें 41 सेकेंड पहले एक जॉब पोस्ट हुई है, ठीक है, ये चाइना का बंदा है और डॉलर फिक्स्ड रेट प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे इसको मैं देख लेता हूँ, $200 ये स्पेंड कर चुका है,
और वेरीफाइड भी है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको इसको देखते हैं सबसे पहले। और आपने ये भी देखनी है कि जो जॉब उसने पेस्ट की है आपको वो समझ भी आ रही है या नहीं, ये आपने लाजमी देखना होता है। बाकी सारी चीजें आपने देखने के बाद ये देखना होता है कि जॉब पे उसने अपनी रिक्वायरमेंट लिखी है वो आप जॉब कर भी सकते हैं या नहीं। ऐसी जॉब हरगिज मत उस जॉब पे अप्लाई कीजिएगा जो आप कर ही नहीं सकते या जिस चीज का आपको आइडिया ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने जॉब सही से कंप्लीट ना की तो आपके प्रोफाइल पे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, वो रेटिंग बुरी भी दे के जा सकता है। तो ये चीजें आप लोगों ने अच्छे से ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये 1 मिनट पहले पोस्ट हुई है, ये रिक्वायरमेंट है, ये क्लाइंट है, 64 जॉब्स इसने पोस्ट की हैं, लेकिन इसका हायर रेट 41%, बहुत कम हायर रेट है इसका, ठीक है। 48 जॉब्स तो इसकी अभी पेंडिंग में है, ठीक है। और अच्छा, इसने फिक्स रेट पे हायर किए हुए हैं काफी सारे लोग, और मेरा ख्याल इसने जो है वो बंद नहीं किया, अपने प्रोजेक्ट्स क्लोज नहीं किए जी। इसका देख लेते हैं, इसका कुछ एक्सेप्शन होती हैं, 2 रिव्यूज मिले हुए हैं इसे, और सिर्फ जो है दोनों रिव्यूज 5 के हैं, ठीक है, लेकिन इसका हायर रेट बहुत कम है, तो चांसेस कम है कि ये किसी ना किसी को इस पे हायर करेगा। हम दूसरी को अच्छी देख लेते हैं, ठीक है। less than 5 है, यूनाइटेड किंगडम से है ये वाला, अच्छा क्लाइंट है, और आवरली जॉब है, $10 से $30 ये दे रहा है। ये सारी चीजें हमने देखनी होती है। क्लाइंट विल सेंड इनवाइट आफ्टर इंटरव्यू, जी बिल्कुल। इस तरह हो सकता है कि अगर क्लाइंट को आपका प्रोफाइल अच्छा लग गया है या आपने एक क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है, तो जब वो कोई भी नई जॉब पोस्ट करता है ना, तो उसके पास ऑप्शन आ जाते हैं, जितने भी उसने फ्रीलांसर्स के साथ काम किया होता है ना, तो उसके पास ऑप्शन आ जाते हैं उसी वक्त जब वो पोस्ट करता है। तो वो पुराने फ्रीलांसर्स को इनवाइट सेंड कर देते हैं कुछ, कि अच्छा ये काम इसने, ये फ्रीलांसर है, इसने पहले भी मेरा ये काम किया हुआ, तो मैं इसको चलो सेंड कर देता हूँ, अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो उससे बात कर लूंगा। या कुछ ऐसे होते हैं जैसे 1-2 दिन के लिए छुट्टी पे होते हैं या वो देख नहीं सकते, तो फिर वो क्या हो रहा होता है, शो हो रहा होता है कि इसने इन्वाइट सेंड कर दिया लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। इस तरह भी होता है, तो ये हम नहीं देख सकते, बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकते कि जो इंटरव्यू हो रहा है वो ही उसको ही इनवाइट सेंड की गई है। पॉसिबल है, चांसेस होते हैं इसमें, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल अभी तक, ठीक है। अच्छा, ये 4 मिनट पहले पोस्ट हुई है और रिव्यू थोड़ा सा हल्का है इसका, 48% हायर रेट है इसका भी, हायर रेट इसका कम है, लेकिन $2,000 के करीब ये यहाँ पे खर्च चुका है। नीचे देखते हैं, less than 5 है, और जॉब इन प्रोग्रेस 2 से 3 है, लेकिन ये पैसे काफी अच्छे खासे जो है वो स्पेंड कर रहा है, जो भी है हायर रेट इसका कम है और इसके रिव्यूज थोड़े से कम है। इस पे आप बिड कर सकते हैं, जिसका हायर रेट थोड़ा कम होता है, 48% है, उस पे जो है वो रिस्क ले सकते हैं आप। अगर आप, आपको ये सारी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही लगती हैं, बिल्कुल आप जो है वो कर सकते हैं, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खुद रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका हायर रेट बहुत कम है। इसका मतलब, हायर रेट का मतलब होता है इसने जॉब बहुत ज्यादा पोस्ट की हुई है लेकिन ये बंदों को हायर बहुत कम करता है। जैसे ये जॉब पोस्ट ने पोस्ट की है ना, तो हो सकता है ये किसी को भी हायर ना करे, तो ये कनेक्ट्स आपके जाया हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नया बंदा है बिल्कुल भी, और यहाँ पे 5 मिनट पहले ये पोस्ट हुआ है, नया बंदा है, इस पे क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं। यही वजह है कि जब आप राइट जॉब्स को सिलेक्ट करके प्रपोजल सेंड करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी वजह से ये पहले मेहनत करनी पड़ती है कि जॉब्स को देखना पड़ता है और क्लाइंट की हिस्ट्री देखनी पड़ती है, ठीक है। ये वजह है, अगर ये चीजें हम इग्नोर कर देते हैं तो हमारा प्रपोजल भी, जैसे हम ये चीजें इग्नोर करते हैं, हमारा प्रपोजल भी उसी तरह इग्नोर हो जाता है, ठीक है। क्लाइंट को भी हमने देखना होता है कि जिसको हम चीज सेंड कर रहे हैं वो इस लायक भी है कि नहीं। दो जॉब्स, ये लोकेशन पाकिस्तान, ठीक है, ये $10 पे काम करवाना चाह रहा है, सीओ का इंट्रो का करवाना चाह रहा है, ठीक है। इसराइल से है ये, और 0% हायर रेट है इसका, 2 जॉब थी कभी, इसने पहले भी जॉब पोस्ट की है लेकिन हायर नहीं किया। less than 5 ये है जी, वर्चुअल असिस्टेंट इस बंदे को चाहिए इसको। ठीक है,
किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन, ये देखें इतनी मेहनत मैं आप लोगों के सामने इसीलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भी जब इतनी मेहनत करेंगे और जो प्रपोजल सेंड करेंगे तो उसके प्रपोजल के सीन होने के या आपको प्रोजेक्ट मिलने के आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 7 मिनट पहले पोस्ट हुई है और जो है इस पे 6 कनेक्ट्स चाहिए होंगे ये जॉब सेंड करने के लिए आपको। ठीक है, पेमेंट वेरीफाइड क्लाइंट है, रिव्यूज थोड़े से कम है, लेकिन 40 जॉब पोस्ट और हायर रेट 60% है तो समहाउ एक्सेप्टेबल है। ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको। 9K अच्छे खासे पैसे जो है वो स्पेंड कर चुका है और आवरली रेट भी इसका अच्छा है, यानी अच्छे पैसे देता है जब जो भी किसी को आवरली काम पे हायर करता है। अच्छा, इसका काम क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट उसको चाहिए। वर्चुअल असिस्टेंट, आपने पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़नी होती है ताकि आपको जॉब की समझ आ जाए, और जब आपको प्रपोजल सेंड करना होता है तो आपने उसमें अपने अल्फाज से उस जॉब को डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, उस जॉब को अपने अल्फाज में रीटाइप करना होता है, या कह लें आपने दोबारा से अपने जॉब आपने जाना होता है क्लाइंट को कि आपने जो जॉब पोस्ट की है उसकी मुझे समझ आ गई है, आपको ये रिक्वायरमेंट्स आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ये रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, आपने उसमें दोबारा से एक एक ब्रीफ ब्रीफली बता देना होता है। ठीक है, थोड़े से अल्फाज में उसको बता देना होता है ताकि उसको जब क्लाइंट को पढ़े तो उसको उसको भी पता चले कि आपने प्रपोजल पूरा पढ़ा है और आपको चीजें समझ आ गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे देखते हैं व्हाट डज हायर्ड इन चाइना। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन के जवाब भी आपने प्रपोजल के अंदर ही देने होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जॉब की रिक्वायरमेंट्स इसने सेट की हैं। अब यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफाइड जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसने सेट की हैं। अब ये कहता है कि जो भी फ्रीलांसर इस जॉब पे प्रपोजल सेंड करे उसका जॉब सक्सेस स्कोर 90% होना चाहिए। ठीक है, जॉब सक्सेस स्कोर जब आपको जॉब्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद आता है, तो आप तो न्यू बंदे हो तो आप यहाँ पे बिट नहीं कर सकते। उसका राइजिंग टैलेंट होना चाहिए। राइजिंग टैलेंट बैजेस के बारे में मैंने बताया था, वो भी हमारे पास नहीं है। एज अ न्यू फ्रीलांसर, न्यू अपवर्क पे न्यू हो तो ये चीज भी। और लोकेशन इसने सेट की है फिलीपींस की, यानी इस कंट्री के लोग ही इस पर बिड कर सकते हैं, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। ये चीजें आपने देखनी होती हैं। जब आप नीचे आते हैं तो ये चीजें आपको मोबाइल हो या लैपटॉप हो या पीसी हो, ये सारी चीजें देख आपको नजर आ रही होती हैं। तो ये जहां जहां आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क और रेड वाला नजर आ रहा हो तो इसका मतलब है आपने इस पे बिड नहीं करना होता। ठीक है, ये देखें इतनी सारी जो है वो तब से एक अच्छी जॉब्स की तलाश, एक अच्छी जो है वो जॉब की तलाश में है। ठीक है, अब यहाँ पे एक है लॉन्ग टर्म का क्लाइंट है, यूनाइटेड स्टेट से वेरीफाइड है, 5 जो है 12 मिनट पहले पोस्ट हुई है, रिव्यूज भी ठीक है, हायर रेट 55 है, सम हाउ एक्सेप्टेबल है और एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रपोजल जो है वो 50+ सेंड हो चुके हैं। 12 मिनट के अंदर अंदर 50+ प्रपोजल सेंड हो चुके हैं, तो आपको इस चीज में का ध्यान रखना है कि आपकी टाइपिंग स्पीड और आपकी पढ़ने और समझने की सलाहियत जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमें एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही। मसला ये है कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको आप मद्देनजर रखते हुए आपको थोड़ी रिसर्च करके जिस जॉब पे भी अप्लाई करोगे तो वहां पे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये पाकिस्तान से है, इस पे भी हमने नहीं करना। अब ये यूनाइटेड स्टेट से है, बिल्कुल नया है, और सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट इसको चाहिए। ये आप इस पे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ इस पे, अगर ये बिल्कुल ठीक निकले तो इस पे बिट करते हैं। हायर रेट 60% इन दिस जॉब। हाँ, ये है कि 50 से ऊपर हो तो आप रिस्क ले सकते हैं उससे, अगर आपको सारी चीजें समझ आती है। क्लाइंट के नीचे जाके रिव्यू देख लिया करें, अगर वो अच्छे पे करता है और उसका नाम भी आपको मिल जाता है तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि वो सब चांसेस होते हैं आपके 50-50 के, ये इस पे हायर करे तो आपका प्रपोजल देख ले। आपका प्रपोजल, अगर क्लाइंट आपका प्रपोजल भी देख ले तो ये भी आपके लिए, ये पाकिस्तान के क्लाइंट है। अच्छा, ये यूनाइटेड स्टेट न्यू है क्लाइंट, ये देखें जिसने जिसने स्पेंड नहीं किया होता उसका मतलब होता है न्यू है, ये भी हायर रेट है। कोई जॉब आ जो है वो इस पे हम बिट करके बता दें। मार्की लेस देन सुलवा, अच्छा इसके बाद देखना लग रही है। ठीक है, कोई
कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई किसी को चीज समझ नहीं आ रही, ये सब चीजें दोबारा दोबारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीजें आपको याद रहें। तीन जॉब्स पोस्ट की है, 100% हायर रेट है, और चार हायर कर चुका है, और ठीक है क्लाइंट सही है, पैसे थोड़े यहाँ पे आवरली थोड़े कम दे रहा है, लेकिन शायद जॉब्स की मुनासिबत से ही दे रहा होगा, ठीक है, $5 पर आवर ये इस जॉब के लिए दे रहा है, विद हाफ ऑफ एन एक्सपीरियंस पर्सन, आई हैवन्ट स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो, ठीक है, आपने जॉब रिक्वायरमेंट ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजें हमने देख ली, 5 मिनट पहले ये पोस्ट किया गया है, ये चीज जो है 6 कनेक्ट इसको चाहिए होंगे, क्लाइंट को हमने देख लिया, हमें ठीक लगा है, हायर रेट ठीक है इसका, ठीक है, नीचे जाएंगे, प्रपोजल 5 से कम सेंड हुए हैं, इंटरव्यू भी नहीं कर रहा किसी को, किसी को इनवाइट भी नहीं सेंड किए। अब जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपने याद रखनी है कि ये सारी चीजें देखने के बाद आपने कहाँ आना होता है, आपने यहाँ पे हिस्ट्री में आना होता है, ठीक है, क्लाइंट रिसेंट हिस्ट्री, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये जो ऊपर वाला रिव्यू होता है ये होता है फ्रीलांसर ने जो दिया होता है, फ्रीलांसर ने जो क्लाइंट को दिया होता है, इसने 5 स्टार दिए हैं इस जॉब पे फ्रीलांसर ने इस क्लाइंट को, लेकिन उसने कोई भी यहाँ पे कमेंट नहीं किया, ठीक है, इसका मतलब है अभी हम अब हमें इसका नाम नहीं मिल सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उस फ्रीलांसर ने इस क्लाइंट का नाम मेंशन कर दिया है, मिस्टर एडम इज अ ग्रेट क्लाइंट, हमें नाम पता चल गया कि इस क्लाइंट का जिसने ये जॉब पोस्ट की है इसका नाम मिस्टर एडम है, और कोई तरीका नहीं है आपके पास इसका नाम फाइंड करने का सिवाय इसके जो मैंने बताया है, तो यहाँ पे आपने एडम को कॉपी कर लेना है या याद कर लेना है, उसके स्पेलिंग देख लेने हैं क्योंकि आपने स्पेलिंग पे भी फोकस करना होता है, ठीक है, तो मिस्टर एडम मैंने इसका नाम कॉपी कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे सोशल मीडिया पे मैं जो है वो गेन करना चाह रहा हूँ, काफी सारे फॉलोअर्स वगैरह, या अपनी एक रेपुटेशन बनाना चाह रहा हूँ, विद अ हाफ एक्सपीरियंस पर्सन, हाफ एक्सपीरियंस पर्सन भी हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आई हैवेंट पोस्टेड, उसने कहा 3-4 साल से मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, तो ये स्टार्ट होगा ग्राउंड जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट वी कुड प्रोड्यूस दैट इज एक्चुअली हेल्पफुल, कह रहा है कि हमें मुझे यकीन है या मैं सोचता हूँ कि आप हम जो है मिलकर बहुत अच्छा और हेल्पफुल कंटेंट जो है वो बना सकते हैं, हाउ एवर द आइडिया बिहाइंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इनटू सोशल मीडिया पोस्ट इज लैकिंग, उसने कहा है कि लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसको सोशल मीडिया की पोस्ट में उस आइडियाज को या कंटेंट को किस तरह पेश किया जाए, किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह लागू किया जाए, ठीक है, इंग्लिश वुड बी अ रिक्वायरमेंट, वो कहता है कि जो भी इस पे बिड करे वो इंग्लिश को आनी चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेट करनी लिखनी, क्योंकि सोशल मीडिया का काम है पोस्ट पे लिखना होता है, तो इंग्लिश इज आर रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आई वुड एज्यूम दिस वुड बी अ वेरी लॉन्ग टर्म वेंचर, उसने ये भी बता दिया कि बहुत लॉन्ग टर्म काम होने वाला है, ठीक है, ये तीन चीजें आपको यहाँ पे समझ आएंगी, ठीक है, ये क्या चाह रहा है कि ये सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया वहां पे लुकिंग टू गेन ट्रैक्शन, ये लफ्ज जो है, जो चीज आपको समझ नहीं आए उसको कॉपी करें, उसको कॉपी करने के बाद आपने क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है, ऐसे पेस्ट करके मीनिंग कर लें या ट्रांसलेट कर लें, ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि जो चीज उनको समझ नहीं आए, जी द एक्शन ऑफ ड्राइंग और पुलिंग समथिंग ओवर सरफेस स्पेशली, मतलब कि वही चीज जो मैंने आपको बताई कि वो एक अपना सोशल मीडिया पे अच्छी अपीयरेंस, अच्छी प्रेजेंस जो है वो बनाना चाहता है, ठीक है, विद अ हाफ ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, हाफ एक्सपीरियंस पर्सन भी चलेगा, और वो सोशल मीडिया पे सोशल मीडियम्स पे अपनी अच्छी प्रेजेंस कायम करना चाहता है, पहली चीज, ठीक है, दूसरी चीज, उसने 2-3 साल पहले 2-3 साल से कभी कुछ पोस्ट नहीं किया, तो ये ग्राउंड जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, तीसरी चीज के उसको तीसरी चीज ये है कि उसको आइडिया इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा, ठीक है, चौथी चीज ये है कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, पांचवी चीज कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है, ये 5 चीजें इसमें से हमें पता चल गई, ठीक है, आपने इसको जल्दी जल्दी समझना होता है और जल्दी जल्दी प्रपोजल सेंड करना होता है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना होता है, सबमिट प्रपोजल,
जी आप मुझे चैट में बताएं, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं सर, हम अपनी स्पोकन इंग्लिश कैसे अच्छी करें। स्पोकन इंग्लिश का जो है कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकती हैं यूट्यूब से, यूट्यूब से, फेसबुक के ग्रुप से। आप इंग्लिश की जो है वो प्रिपरेशन कर सकती हैं, खुद से सीख सकती हैं, सेल्फ स्टडी करके सीख सकती हैं, और उसमें मैं कोई ऐसा बता नहीं सकता चीज के जिससे आप। जी ये जॉब जो है वो प्राइवेट है, ये सिर्फ उन फ्रीलांसर्स के लिए है जो कि उसके साथ काम कर चुके हैं, और वो सिर्फ को ही इसकी इनवाइट भेजे। ठीक है, ये जॉब भी मतलब खत्म हो गई। अब ये देखते हैं सेल्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ये जॉब है, और यहाँ पे क्लाइंट 3 हायर किए हैं इसने, 18%। ये भी आज कोई जॉब अच्छी मिली नहीं थी जिसपे हम बेट कर सकें। रिफ्रेश कर ले स्टार्ट। जी किसी का कोई भी क्वेश्चन है किसी का? ऑलमोस्ट जो है वो 14 स्टूडेंट्स जो है वो सुन रहे हैं, लेकिन जो है वो रिस्पॉन्ड 3 4 ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वीडन का बंदा है, और 1 मिनट पहले पोस्ट हुई है क्रिएटिव कंटेंट राइटर लुकिंग फॉर योर ड्रीम रिमोट वर्क, इसको हम देख लेते हैं। अच्छी जॉब जो है वो फाइंड करना थोड़ा देख के आपको हर चीज जो है वो करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि आप आए फौरन ही, एक जॉब पोस्ट हुई है उसको बिना देखे ही आप अगर सेंड कर देंगे तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 62% हायर रेट है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे उसने कंट्रीज का इशू कर दिया है कि इन कंट्री से ही लोग अप्लाई कर सकते। अच्छा जी, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट लुकिंग फॉर सोशल मीडिया क्रिएटर डिजाइन पोस्ट फॉर प्रोडक्ट्स यूजिंग प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जी ये बंदा यूनाइटेड स्टेट से है, और 4 मिनट पहले जॉब पोस्ट हुई है, लेस देन 5 इसके जो है प्रपोजल सेंड किए गए लुकिंग फॉर सोशल मीडिया। जी देख रहे हैं ये जॉब अगर जो है वो मुनासिब है तो मैं इस पे आपको फौरन से बिडिंग करके दिखा देता हूँ। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी ये क्लाइंट भी ठीक है, 5 है लेस देन। अब इसका नाम जो है आसमा इज अ वेरी कोऑपरेटिव टू मी, इसका नाम भी हमने फाइंड कर लिया, आसमा इसका नाम है, और लुकिंग फॉर सोशल मीडिया क्रिएटर टू क्रिएट डिजाइन पोस्ट फॉर प्रोडक्ट्स यूजिंग प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट रिलेटेड हैशटैग क्रिएट हाईलाइट्स रील स्टोरीज क्रिएट डिजाइन पोस्ट। अच्छा सो क्रिएटर टू डिजाइन पोस्ट फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये पोस्ट क्रिएट करने का, रील्स क्रिएट करने का कह रही है। आसमा इसका नाम है क्लाइंट का, और यहाँ पे ये इस जॉब पे हम प्रपोजल सेंड करने वाले हैं, तो काइंडली इस चीज को आपने गौर से देखना है। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं ये क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अभी मैं बिडिंग का जो है वो कंप्लीट तरीका आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह मैं बिड करता हूँ। आपने वही तरीका जो है वो फॉलो करना होता है, जो चीजें मैंने पहले आपको समझाई हैं कि ये चीजें जो है वो जरूरी होती हैं, वो चीजें आपने अपने माइंड में रख के तभी इस जॉब, ऐसी जॉब्स को सिलेक्ट करना है और उनपे बिड करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अगर 2 प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं ना, तो जिस प्रोफाइल से आपने बिडिंग करनी होती है उसको सिलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो एडिटिंग का बनाया है तो ये जॉब अगर वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड है तो उस प्रोफाइल से ही भेजें। अगर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपने अगर फिक्स्ड है तो आपने इसको बाय प्रोजेक्ट ही कर देना है, माइलस्टोन रहने देना है, बाय प्रोजेक्ट कर देना है, और ड्यूरेशन इसकी सिलेक्ट कर लेनी है कि आप ये कितने महीनों में। यहाँ पे डे वाला हिसाब नहीं होता, मंथ का हिसाब होता है, तो लेस देन 1 मंथ सिलेक्ट कर लेना है, हमें लेस देन 1 मंथ सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे मैं लाइव जो है वो प्रपोजल सेंड करके दिखाने लगा हूँ। काइंडली मुझे चैट में बताएं कि मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है ना? जी बहुत जो काफी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन है लेकिन रिप्लाई बहुत कम रहे जो है वो कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, हेलो, हेलो से स्टार्ट देना होता है आपने। ठीक है, उसके बाद जो उसका नाम था आसमा, आसमा मैंने लिख दिया, हेलो आसमा करके मैं इसको नीचे नीचे वाली लाइन में चले जाऊंगा। ठीक है, आई होप यू आर
डूइंग गुड, ठीक है। ग्रीटिंग का एक जो है वो मैंने लाइन लिख दी है, डूइंग वेल या डूइंग गुड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया उसको, ठीक है। एक अच्छा जेस्चर होता है, अगर क्लाइंट इसको पढ़ता है तो वो अच्छा फील करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, उसके बाद नाम हमने जो डिस्क्रिप्शन जो उसकी हिस्ट्री में से फाइंड किया था वो लिख दिया, और उसके बाद एक मतलब आप कैसी मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, ये मैंने लिख के उसको सेंड कर दिया। और मैंने फिर बाद में जो उसकी जॉब है उसको अपने अल्फाज में लिखना है, ठीक है, $200 की ये जॉब है, ठीक है, इसको अपने अल्फाज में लिखना है। आई अंडरस्टूड दैट यू आर लुकिंग फॉर यहाँ पे मैंने यहाँ पे वो क्या चाह रही थी, सोशल मीडिया क्रिएटर, ठीक है। डिजाइन क्या करे, पोस्ट डिजाइन करे यूजिंग प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे पोस्ट कर देता हूँ। ये आपने इस तरह पोस्ट बिल्कुल नहीं करना, ये सिर्फ मैं अपने समझने के लिए, क्योंकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े मुझे इस तरह करके, और टाइम टाइम की भी बचत हो, तो मैंने यहाँ पे नीचे पोस्ट कर लिया ताकि मैं इसको देख देख के ऊपर टाइप करता जाऊँ। मैंने उसको कहा कि आई अंडरस्टूड दैट यू आर लुकिंग फॉर अ सोशल मीडिया क्रिएटर हु कैन डिजाइन सोशल हु कैन डिजाइन पोस्ट। अच्छा आपने ग्रामरली अगर कर लेंगे तो आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं आपको फौरन ये बता दिया करेगा, हु कैन डिजाइन पोस्ट फॉर योर प्रोडक्ट्स यूजिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट रिलेटेड हैशटैग्स, क्रिएट हाईलाइट, ठीक है। यहाँ पे उसने नीचे लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको फिर उसी तरह अपने अल्फाज में यूजिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रिलेटेड हैशटैग्स एंड ऑल्सो द फ्रीलांसर शुड बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग हाईलाइट रील्स एंड स्टोरीज, क्रिएटिंग रील्स एंड स्टोरीज रिगार्डिंग रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे अब हम इस अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये ग्रामर लेने हमारी सारी जो मसले थे स्पेलिंग्स के वो खत्म कर दिया, ठीक है। अब मैं नीचे लिखता हूँ कि आए अपने बारे में अब आपने बताना है, ठीक है। आई एम एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस्ड सोशल मीडिया मार्केटर, ये आपने यहाँ पे अपने बारे में फिर मेंशन करना होता है। सबसे पहले तो आपने हेलो क्लाइंट का नाम और हेलो हाय उसकी पूछ लेनी है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये चीजें आपने कभी भी नहीं लिखनी, आपने डियर नहीं लिखना, ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपने कभी भी नहीं लिखनी, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी जॉब को अपने अल्फाज में समझा देना होता है, और उसके बाद आपने थोड़ा सा अपने बारे में मेंशन करना होता है, एंड सोशल मीडिया मैनेजर आई हैव 3+ इयर्स ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स एंड हेल्पिंग देम ग्रो, ठीक है। आई एम श्योर यू विल लव माई वर्क एंड आई विल प्रोवाइड बेस्ट रिजल्ट्स थ्रू माई डिजाइन एंड रील्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने स्किल के बारे में बता दिया, और साथ साथ उसको ये भी बता दिया कि आपको मेरे साथ काम करके अच्छा लगेगा,
और आप मेरा काम जो है आपको मेरा काम भी पसंद आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि I am अवेलेबल टू स्टार्ट इमीजिएटली, सो प्लीज लेट मी नो योर रिस्पॉन्स टू माई प्रपोजल, ठीक है। यहाँ पे एक तो मैंने उसको कह दिया कि मैं अभी जो है वो काम स्टार्ट कर सकता हूँ, और काइंडली मुझे ये बताइएगा आप मेरे इस प्रपोजल के बारे में, मुझे रिस्पॉन्ड जो है वो लाजमी करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट पे आपने लिख देना होता है काइंड रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, और फिर आपने अपना नाम लिख देना होता है। मैंने इस काउंट पे जो नाम है वो मेंशन कर दिया है। सबसे पहले क्या लिखना होता है आपने, सबसे पहले लिखना होता है हेलो। अगर क्लाइंट का आपके पास नाम आ गया है तो आपने क्लाइंट का नाम लिख देना है, फिर लिख देना है आई होप यू आर डूइंग वेल। उसके बाद आपने उसकी जो जॉब है उसको अपने अल्फाज में लिख देना होता है। वो लिखने के बाद आपने अपने बारे में जो अगला पैराग्राफ होता है वो अपने बारे में होता है, और क्लाइंट को आपने थोड़ा सा ट्रस्ट गेन करने के लिए कुछ ऐसी लाइंस लिखनी होती है कि आपको मेरे साथ काम करके अच्छा लगेगा, मेरा काम बहुत अच्छा होता है, मैं एक्यूरेसी प्रोवाइड करता हूँ, मैं अगर डाटा एंट्री करता हूँ तो बहुत अच्छी होती है, मैं क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करता हूँ। तो इस तरह की आपकी फिर यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन काम आएगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे फिर बाद में एक लाइन लिख देनी है कि मैं अवेलेबल होता हूँ और मैं फॉरन स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे काइंड रिगार्ड्स लिख देना होता है और अपना नाम लिख देना होता है। अगर आपने कोई सैंपल अटैच करना होता है तो आप सैंपल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। सैंपल अटैच करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेंड फॉर कनेक्ट्स पे क्लिक कर देना होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो बिटिंग की ये चीज है, ये आपने फिलहाल इस क्लिक नहीं करना किसी भी तरीके से, ठीक है। ये चीजें आपने, ये चीज जो ये बिट करने वाली है, ये आपकी बिट को ऊपर लेके जाती है, तो फिलहाल आपने ये चीज नहीं करनी। अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा इसका एक्सपीरियंस है, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी। आपने यहाँ पे जितने कनेक्ट के साथ वो सेंड हो रहा होगा उसके साथ